हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी में जो साथी हमारे भर्ती हो गए हैं उनका एक सबसे बड़ा डाउट अभी है कि मेडिकल क्या होगा, क्या मेडिकल दोबारा होगा और जॉइनिंग पर कैसा मेडिकल होगा, क्या नॉर्मल मेडिकल होगा या कंप्लीट मेडिकल होगा। तो मेडिकल के बारे में मेडिकल गाइडलाइंस क्या कहती है और पुराने उदाहरण जो हैं इसके बारे में वो आपको बता देंगे, तो कहीं एक गलती जो है वो आपके लिए परेशानी का सबब नहीं बन जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि मेडिकल गाइडलाइंस जो है वो क्या कहती है इसके बारे में और जो वैधता है वो क्या है और उसके बाद आपका जो है मेडिकल का जो विवेकाधिकार है वो क्या है और उसमें क्या हो सकता है आपके साथ में। अब ये देखिए दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पुलिस डिवीजन 2 गाइडलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एंड असम राइफल्स, ये कब हुआ था जारी? ये हुआ था रिवाइज्ड गाइडलाइंस एज ऑन मई 2015, यानी मई 2015 में जो गाइडलाइन लागू हुई थी वही अभी तक चल रही है। जब ये गाइडलाइन पर हमने वीडियो बनाए तो कुछ कैंडिडेट्स ने इसका विरोध किया कि ये तो 2015 की गाइडलाइन है, ये रिवाइज गाइडलाइन 2015 की ही चल रही है, इसके बाद में रिवाइज नहीं हुई। ये कंप्लीट गाइडलाइन यदि आपको चाहिए तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज हमें कीजिए, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब इसके आप पेज नंबर 42 पे आप जाते हैं तो वहां पे साफ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 42, इस पे आपको साफ लिखा हुआ है कि वैलिडिटी ऑफ रिक्रूटमेंट मेडिकल, वैधता कब तक है। द फाइंडिंग्स ओपिनियन ऑफ द रिक्रूटमेंट मेडिकल बोर्ड विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फिटनेस टू ज्वाइनिंग द सर्विस। फिटनेस आपका कब हुआ था? आपका दोस्तों फरवरी में आपका मेडिकल लास्ट हुआ था, फरवरी से फरवरी तो जा चुकी है या लगभग जो है चल रही है, आपका ज्वाइनिंग होगा मार्च में होगा या अप्रैल में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेडिकल जो आपका हुआ था वो मेडिकल की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, अब आपका नए सिरे से जो है मेडिकल आपका होना है। और वैसे भी फोर्स में हर साल आपका मेडिकल होता है, सालाना मेडिकल का आपका मेडिकल कार्ड बनता है, आपका जो APR होता है एनुअल जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपका होता है उसमें भी आपका मेडिकल शो होता है, मेडिकल कैटेगरी आपकी शो होती है। इसी वजह से बहुत सारे जो कलर ब्लाइंड जो होते हैं वो पीछे भी ऐसा हुआ है कि कलर ब्लाइंड किसी तरीके से मैनेज करके फिट हो गए लेकिन वो अनफिट हो गए। आँख वाले जो पॉइंट हैं उनके लिए बता देता हूँ विशेष रूप से कि यदि सर्जरी वाला है, सर्जरी का भी एक कैंडिडेट जो है वो 2015 की भर्ती में CISF लेजर सर्जरी करवाया था और वो कैंडिडेट जो है उसको आउट कर दिया गया ट्रेनिंग से। तो यदि आपका कोई ऐसा पॉइंट है तो आप विशेष रूप से सावधान रहें, सतर्क रहें। कैंडिडेट्स ज्वाइन द सर्विस आफ्टर वैलिडिटी पीरियड ऑफ रिक्रूटमेंट मेडिकल ही शी विल बी एग्जामिन्ड बाई यूनिट मेडिकल ऑफिसर फॉर एनी डिजीज डिफॉर्मिटी दैट माइट हैव अराइजन आफ्टर द रिक्रूटमेंट मेडिकल, यानी इसके बाद कोई परेशानी हो सकती है। अब आप ये पूछेंगे कि क्या कंप्लीट मेडिकल चेकअप होगा? देखिए कंप्लीट होगा तो आपका जैसा मेडिकल आपका DME के समय में हुआ था बिल्कुल उसी लेवल का मेडिकल कंप्लीट होगा। ये आपके यूनिट के मेडिकल ऑफिसर जो हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो कंप्लीट करें या सेटिस्फाई वो हो जाते हैं। अब किसी का सपोज कीजिए कि कोई फ्रैक्चर हो गया है, कोई और कोई प्रॉब्लम हो गई या किसी को इस दौरान कोई मेजर डिजीज हो गया तो अपन अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो ज्वाइन कर लेंगे। यदि किसी ने मैनेज किया, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने मेडिकल में मैनेज कर लिया था या मेरा तो कान जो है वो चेक ही नहीं हुआ। देखिए ये कभी भी आप भूल जाना कि ऐसी आप भावना रखें कि मेरा कान चेक नहीं हुआ, आपको मेडिकल ऑफिसर ने चेक किया है, वो सेटिस्फाई हुए हैं तभी आप फिट हुए हैं। और यदि ऐसा हो गया कि आपका चेक नहीं किया या कुछ कैंडिडेट्स ने कहा कि हमें लेजर जो है वो मशीन से चेक नहीं किया, मशीन से कभी भी हो सकता है क्योंकि जो हमारे साथी जो री मेडिकल वाले हैं उनका वो जो पॉइंट होता है वो डाउटफुल होता है और उस पॉइंट को अभी दोबारा से भी चेक किया जा सकता है। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। यदि आपका भी कोई पॉइंट है ऐसा तो उसका बचाव रखें, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट आप लेकर जा सकते हैं या इस दौरान आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है उसका आप ट्रीटमेंट लेकर जाएं कि कहीं छोटी सी लापरवाही जो है वो आपके लिए बड़ी परेशानी नहीं बन जाए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका भी कोई पॉइंट है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉलिंग के लिए आपको प्रक्रिया बता दी जाएगी, व्हाट्सएप आप कीजिए, पूरे व्हाट्सएप के आपको जवाब दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।